हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो एयर ब्रश मशीन के ऊपर है। जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि एयर ब्रश मशीन क्या होती है, कैसे यूज की जाती है और क्या मतलब इसका फायदा होता है हम लोगों को मेकअप में यूज करने के बाद। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एयर ब्रश मशीन हमारी होती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी एयर ब्रश मेकअप का बहुत ज्यादा क्रेज है और वो क्रेज जो है वो सच्चा भी है, क्योंकि एयर ब्रश मेकअप बहुत अच्छे से हमारी स्किन पर जो है उसका बेस दिखता है। तो पहले जब एयर ब्रश मेकअप आया था तो पूरा मेकअप एयर ब्रश किया जाता था, जैसे कि आई शेड्स का भी यूज होता था उसमें और काफी सारा काम, जैसे आईब्रोज डिफाइन भी एयर ब्रश से ही की जाती थी। लेकिन ये जो काम था थोड़ा टिपिकल था, और जैसे कि आई शेड्स जब भी हम लोग लगाते थे एयर ब्रश मशीन से तो ब्लेंडेड नहीं होते थे। तो जब ये यूज करनी शुरू की थी तब तो इस तरीके से पूरा यूज किया जाता था इसको, लेकिन टाइम चेंज होने के कारण और बहुत ज्यादा ऐसे टाइम नहीं होता मेकअप करने के दौरान, तो क्या किया गया कि इसमें चेंज कर दिया गया। जो हम लोग बेस लगाते हैं वो एयर ब्रश लगा देते हैं, ताकि जो हमारे बेस की लास्टिंग है वो बहुत अच्छी रहे, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत फाइन होते हैं और जो स्किन पे जाके अच्छे से एब्जॉर्बेशन कर देते हैं, बहुत अच्छी फोटो फिनिश आती है हमारे फेस के ऊपर। और जितने भी हमारे फेस पे इम्परफेक्शंस होते हैं, जैसे कि पिगमेंटेशन होना, एक्ने पिंपल होना, ऑयली स्किन ज़्यादा होना और मतलब मेकअप टिकना ना फेस के ऊपर, किसी किसी के मेकअप टिकता नहीं है फेस के ऊपर, और कितने भी हमारे जो मार्क्स होते हैं वो सबको हाइड कर देता है जो एयर ब्रश मेकअप होता है। तो जब भी हम लोग अब बेस लगाते हैं तो हम लोग एयर ब्रश मेकअप का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी मेकअप की जो फिनिश है वो और भी अच्छी आए, और इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी होती है मेकअप की। जो एयर ब्रश मेकअप होता है इसका कम से कम 10-11 घंटे का इसका लास्ट रहता है फेशियल का, कोई प्रॉब्लम नहीं होती फेस के ऊपर और बहुत अच्छे से इसकी फिनिश होती है। तो जब भी हम लोग अब बेस लगाने लगे हैं वो हम लोग एयर ब्रश करने लगे, एयर ब्रश ब्रश के नीचे हम लोग एक नॉर्मल बेस भी लगाते हैं, क्योंकि बहुत माइल्ड इसके जो फाउंडेशन होते हैं तो इसलिए हमें नीचे एक बेस और लगाना होता है, जो कि हम लोग HD फाउंडेशन का लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एयर ब्रश मेकअप का बेस लगाते हैं। तो आई शेड्स हम लोग इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होते थे, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, आई शेडो का जो काम है वो हम लोगों ने हैंडवर्क में ही रखा, ब्रशेस का यूज करके, आई शेड्स का यूज करके, लेकिन जो बेस है हम लोग लगाने लग गए एयर ब्रश। तो एयर ब्रश मेकअप बहुत सारे ब्रांड्स में आता है, मैक में आता है, पैक में आता है, PAC में, और मेकअप स्टूडियो में भी आता है, क्राइलोन में भी आता है, लेकिन जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्रेज में चल रहा है वो Temp2 का ही है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो Temp2 में भी पहले बहुत सारा एक मतलब सेटअप किया जाता था एयर ब्रश के लिए, जिसमें कि हमारे पास एक पेन जैसा एयर ब्रश होता था। तो क्या होता है, जैसे हम लोग बाहर जाते थे मेकअप करने तो हमारे पास वो थोड़ा सा मतलब हम कैरी करने में दिक्कत होती थी एयर ब्रश मशीन को, लेकिन Temp2 ब्रांड ने इसी की मशीन एक निकाली जो कि हैंडी थी, आप लोग उसको इजिली कैरी करके अपने साथ बाहर अगर मेकअप करने जाते हैं तो इजिली आप लेके जा सकते हैं, और वैसे भी वो हैंडी है तो बहुत अच्छा, उसको आप मतलब एकदम फ्री होके आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो मशीन कैसी है जो मैंने परचेज की हुई है उसके बारे में मैं आपको पूरा बताने जा रही हूँ, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं, कितने हमको फाउंडेशन इसके लिए नेसेसरी है जो लेने हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपको देने जा रही हूँ। इसलिए हमारे संग इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको एयर ब्रश जो मेकअप है वो कैसे करना है, कैसे मशीन का यूज करना है, मैं आपको प्रॉपर वे बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा एयर ब्रश मेकअप का बॉक्स है Temp2 एयर के नाम से। इस मशीन को लिए हुए मेरे को 6-7 ईयर हो गए हैं और कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। इस तरीके से ये मशीन होती है, तो आप देखिए कितनी छोटी है, तो पकड़ने में बहुत इजी रहती है हम लोगों को। बस जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे, हमें अगर हमें इसको चाहिए कि मतलब ये लंबे समय तक हम लोग इसको यूज कर सकें, भले ही वो ये वाली मशीन हो चाहे पूरी सेटअप वाली मशीन हो, हमें इसके क्लीनिंग का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे, इसको साथ के साथ हम लोग क्लीन करेंगे, तब तो ये लंबे समय तक आपके साथ बनी रहेगी, अदरवाइज ये मशीन खराब होने लगती है। और खराब होने के नाम पर भी बस इसका ये ऐसे करके ये निकल जाता है, इसको इस तरीके से स्विच होता है इसके पास, इसको हम लोग पुश करते हैं और इसको हम लोग ऊपर से ऐसे निकाल लेते हैं, तो हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है ये अधिकतर खराब हो जाता है। क्योंकि क्यों खराब होता है, क्योंकि हम लोग इसको क्लीन नहीं करते। तो शुरू में मेरे को भी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हम लोग
बेस करने के बाद इसको एज इट इज छोड़ देते थे। जब मतलब कि बाहर जाते थे टाइम नहीं होता था तो हम लोग उसको एज इट इज छोड़ देते, तो जो बेस होता है वो अंदर ड्राई हो जाता है। तो जब बेस ड्राई हो जाता है अंदर, जब कोई भी प्रोडक्ट हमने डाला वो ड्राई हो जाएगा तो इसकी जो निडल होती है वो खराब हो जाती है, इसलिए ये हमारा जो ये पार्ट है ये खराब हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे को और भी ये खरीदने पड़े थे, एक आध एक्स्ट्रा हम लोग रखते हैं बाई चांस कभी खराब हो जाए तो हमें ये लगाने की नीड रहती है। तो पर्टिकुलर ये जो पार्ट आता है ये 2700-2800 की रेंज का आता है, तो ये एक आध आप एक्स्ट्रा लेके रख सकते हैं। और जो पूरी मशीन हमारी आती है ये 37,500 रुपए की हमने ली थी तब आई थी, अब इसके रेट में भी चेंज हो गए, अप्रोक्स 30,000 अभी भी है। तो 30,000 में ये हम लोगों को इस मशीन के साथ हमको कुछ एयर ब्रश के फाउंडेशंस भी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, जो कि मिनी पैकेजिंग में होते हैं, छोटी पैकेजिंग में होते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से मिनी पैकेजिंग में हमको 8 प्रोडक्ट में भी मिले थे उस समय। तो ये जो प्रोडक्ट्स थे, अब मैं इसमें आपको क्या बताती हूँ, इसमें मैं आपको मेन प्रोडक्ट बताती हूँ जो आपको यूज़ में आएंगे, बस इससे ज़्यादा आप फाउंडेशंस मत लीजिएगा, जितने यूज़ में आने चाहिए मैं वही 2-3 फाउंडेशन आपको, 4 है या 5 है, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से मेन फाउंडेशन है इसमें जो हमको लेने हैं। क्योंकि अब इन फाउंडेशंस की रेंज, क्योंकि छोटे वाले फाउंडेशंस तो किट के साथ ही आते हैं, इसके बाद जब हम दोबारा से परचेज करते हैं तो वो इतनी बड़ी पैकेजिंग में आते हैं। ये 30 ml के होते हैं जो हम लोग बाद में परचेज करते हैं, तो 30 ml का जो एक फाउंडेशन है ये 3000 की रेंज का आता है। लेकिन 3000 की रेंज में आप बहुत सारे मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ ड्रॉप्स ही डालनी होती है। और ये एक, जैसे आपने देखा होगा पहले मूर्तियों की रंगाई होती थी मशीन से, तो ये उसी तरीके की टेक्निक है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो हमारा मेकअप है बहुत अच्छा फ्लॉलेस होता है और उसकी लास्टिंग बहुत अच्छी होती है। तो ब्राइड भी हैप्पी रहती है कि ठीक है, गर्मियों में भी हमारा जो मेकअप है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो इस तरीके से और क्या होता है कि जैसे हम लोग फाउंडेशंस वगैरह हमारे ब्लेंड नहीं हो पाते, तो बहुत ब्लेंडेड इफेक्ट आता है। बस एक यूज़ करने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए, बाकी बहुत अच्छे से इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप परचेज कर सके तो टैम्प2 की मशीन ही लीजिए, मेरे को अच्छी लगती है। बाकी और भी ब्रांड्स हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लोकल में भी अब आने लग गए, वो 15,000 तक आपको मिल जाएंगे। 12,000 से 15,000 की रेंज की भी मशीन्स आती हैं जो चाइनीज होती हैं, लेकिन हमको यूँ नहीं पता कि उनका रिजल्ट कैसा होता है, अच्छा देते हैं कि नहीं रिजल्ट। तो इसलिए जिस चीज़ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हम लोग विश्वास करते हैं आपको वही चीज़ बताएंगे, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे मेन फाउंडेशंस हैं वो मैं आपको 4 या 5 बता देती हूँ जो भी हैं, तो वो शेड्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, से कुछ फाउंडेशंस हैं और एक ब्लशर है जो मैं अपनी किट में रखती हूँ, और इसमें से भी एक आध जो फाउंडेशन ऐसा है जो कम यूज़ में आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा शेड है वो है 002। तो जब भी हम लोग इन शेड्स को यूज़ करेंगे, इनको अच्छे से हम लोग शेक करेंगे, इस तरीके से शेक करेंगे कि पूरे प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसे रखने के बाद आधा आधा हो जाता है, नीचे प्रोडक्ट बैठ जाता है, ऊपर उसका जो बेस है सिलिकॉन बेस वो ऊपर ऊपर आ जाता है। तो जब भी हम लोग यूज़ करेंगे अच्छे से शेक करेंगे, शेक करेंगे। इसके बाद इसका जो शेड है ये है ब्लश आइवरी के नाम से 002, जिनका भी कूल अंडरटोन होता है, जैसे पिंकिश पिंकिश उनकी स्किन होती है, उनके ऊपर 002 जाएगा। तो ये फेयर स्किन के लिए है 002, और जिनका भी जो अंडरटोन है वो वार्म अंडरटोन के हैं तो उनको लेना है 003। जैसे कि हमारे पार्लर में सब तरह के लोग आते हैं आपको पता है, तो कुछ जो शेड्स हमें यूज़ में लेने हैं 002 जो कि पिंकिश स्किन के लिए है, 003 जो कि येलो स्किन के लिए है, वार्म अंडरटोन के लिए। और जब भी हम लोग ये लोग 003 लेंगे ये फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए है। अगर हमारे पास वार्म में ही मीडियम कॉम्प्लेक्शन आता है तो मैं क्या करती हूँ, इसमें 6 नंबर की मिक्सिंग करती हूँ, 006 नंबर जो कि टॉफी शेड है, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ कुछ ड्रॉप। जैसे ज़्यादा हमने 5-6 ड्रॉप अगर इसकी ली है तो 2 ड्रॉप हम लोग ये डाल देंगे 006, तो इससे क्या होता है ये मीडियम टोन का बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे 006 हो गया। इसके बाद 007 और 008 मैंने रखा हुआ है, इसका मैं क्या करती हूँ 007 से मैं सम टाइम कॉन्टोर करने का काम करती हूँ फेयर स्किन के ऊपर। जब मैं हैंड से या मतलब बाकी किट से कंटोर नहीं करती तो मैं कई बार इससे कंटोर करती हूँ, तो हमारे कंटोर करने के काम में भी ये शेड आ जाता है। 008 भी हमारा डार्क शेड है, जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो उस पर आप लोग 008 या 007 का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, बाकी तो आपके किट के साथ ही आएंगे।
और एक जो प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ जिसका रिजल्ट अच्छा है वो है इसी ब्रांड का ब्लशर 045 पियोनी के नाम से। ये ब्लशर भी बहुत अच्छा है। मैं कई बार मशीन का वर्क अपने मेकअप में कर रही होती हूँ, आपने देखा होगा, लेकिन क्या होता है कि हमारे रियल ब्राइडल मेकअप होते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उस समय आपको नहीं दे सकते, इसलिए मैंने ये वीडियो अलग से बनाई है ताकि आपको पूरी समझ आ जाए कि एयर ब्रश मशीन है क्या है। अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से जो हमारी मशीन है इसमें पीछे ऑन ऑफ का एक बटन होता है, इस बटन को हम लोग दबाते हैं तो ये मशीन के आपने देखा होगा लाइट्स ऑन हो गई। अब ये लाइट 1, 2 और 3 इसकी स्पीड में भी अंतर हो गया। जैसे कि हम 1 पे लेके जाएंगे तो स्पीड कम रहेगी, प्रोडक्ट कम बाहर आएगा, और जब हम 2 पे लेके आएंगे तो प्रोडक्ट की स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी और प्रोडक्ट थोड़ी तेजी से बाहर आएगा, और जब हम 3 पे लेके जाएंगे तब प्रोडक्ट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी बाहर आने की। तो जब मैं नेक पे वर्क करती हूँ इस मशीन से तो मैं 3 पर लाकर करती हूँ, नेक का एरिया बड़ा होता है और उधर हमें कोई ऐसी फिनिशिंग देने की नीड नहीं रहती, फटाफट हमें प्रोडक्ट डालना होता है, तब तो हम लोग 3 पे काम करते हैं। और जब मैं बेस फेस पे लगा रही होती हूँ तब मैं 2 पे काम करती हूँ, और जब मेरे को कॉन्टोर करना होता है या मेरे को ब्लशर करना होता है तो प्रोडक्ट तेजी से ना आए, अच्छे से आए, इसलिए मैं 1 नंबर का यूज करती हूँ। तो जब हम इस बटन को दबाएंगे तो ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी और 1 नंबर पे रहेगी। इसी बटन को हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अभी ये 1 नंबर पे है, इसी को हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये 2 पर हो जाएगी, स्पीड तेज हो गई, और इसी को हम दोबारा क्लिक करेंगे तो 3 पर हो जाएगी, स्पीड सबसे ज्यादा तेज हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले हम बटन को बंद रखेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी प्रोडक्ट, जैसे कि आप देखिए मैं 003 डाल रही हूँ, आपको कुछ डाल के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए किस तरीके से हमको ये यूज करना है। तो इस तरीके से मशीन है, इसमें हम लोग जब भी प्रोडक्ट डालेंगे उस प्रोडक्ट को हम लोग अच्छे से शेक करेंगे ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे से मिल जाए आपस में, और इसके बाद हम इस प्रोडक्ट को निकालेंगे। जितना इसके ऊपर प्रोडक्ट आ जाता है हम उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ले लेंगे ताकि हमारा वेस्ट ना हो। आपको पता है 3000 की कॉस्ट के ये फाउंडेशंस आते हैं तो महंगे होते हैं, इसलिए आप लोगों को देखना है कैसे यूज़ करना है। तो मैं 3-4 ड्रॉप इसके अंदर डाल दूंगी। उसके बाद साथ के साथ हम लोग फाउंडेशन को बंद कर देंगे, और अब मैं इसको आपको टिश्यू के ऊपर ही बताऊंगी किस तरीके से ये फाउंडेशन आता है। तो जब भी हम लोग क्लाइंट के फेस पे करेंगे तो इतनी दूरी बनाकर रखेंगे। यहाँ से मैं मशीन को ऑन करूंगी और सेकंड नंबर पे है, जब भी मैं बेस लगाती हूँ सेकंड पॉइंट पे रखती हूँ, इस ट्रिगर को मैं दबाऊंगी तो फाउंडेशन का जो बेस है वो इस पर आएगा। तो आप देखिए किस तरीके से आता है, ये देखिए आपको आता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से हमें पूरे फेस पर इसको लगाना है। ये ना करें कि आप एक ही जगह रख दें, जब हम एक ही जगह उस बेस को रख देंगे तो क्या होगा, जब तक हम इसको दबाएंगे नहीं प्रोडक्ट बाहर नहीं आएगा, और एक ही जगह हम रख देंगे तो वहां क्या होगा कि पैचीनेस आ जाएगी। तो आपको साथ के साथ हल्के हाथ से मूव करते जाना है फेस के, इतनी दूरी बनाकर इस तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो जब इसमें से आवाज आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, प्रोडक्ट खत्म हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने इसमें प्रोडक्ट डाला और बाहर यहाँ से आ रहा है इसको दबाने के बाद, इस ट्रिगर को दबाने के बाद। तो आप बहुत केयरफुली अपनी मशीन को रखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को इसके अंदर छोड़ना नहीं है, तुरंत ही हमें क्लीन कर देंगे तो इसकी जो आपकी मशीन है बहुत भी बहुत जल्दी खराब नहीं होगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी अगर आप साथ के साथ रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए टेम्प2 ब्रांड का ही ये रिमूवर आता है, जिसमें जिसको कि कुछ बूंद हम लोग इसमें डाल देते हैं अच्छे से शेक करके, तो उसके बाद हम इसको क्लीन करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। ऐसे इसका खोलने का होता है, इसमें हम कुछ बूंद डालेंगे इस तरीके से प्रोडक्ट को। किसी और ब्रांड का भी आप यूज़ करते हो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये क्लीनर डाल दिया। क्लीनर डालने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसके जो इसका पॉइंट होगा आगे, इस पर मैं टिश्यू लगाऊंगी इस तरीके से हल्के हाथ से, और मशीन ऑन है मेरी और इसके आगे मैंने टिश्यू लगाया हल्के हाथ से और ट्रिगर को पीछे की साइड किया, तो इस तरीके से बबल बनने शुरू हो जाएंगे। तो आगे मैंने लगाया हुआ है, प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब अंदर ही अंदर ये क्लीन कर रहा है प्रोडक्ट को। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो गया। इसके बाद मैं इसको आगे से हटा दूंगी और ट्रिगर को जब दबाऊंगी तो प्रोडक्ट जो है, जो जितनी भी अंदर प्रोडक्ट रह गया है वो बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम लोग को यही ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग मशीन का यूज़ करेंगे इसको हम लोग साथ के साथ, मैं मेकअप के दौरान ही इसको क्लीन करा देती हूँ
और जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स रह गए हैं वो भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ ईयरबड की हेल्प से, बहुत हल्के हल्के हाथ से मैं इसको अंदर से भी क्लीन करती हूँ हर बार। और अगर अंदर से भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे प्रोडक्ट आने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको नोजल को खोल के भी कई बार, देखिए ऐसे प्रोडक्ट लगा हुआ है, इसको हम लोग क्लीन कराते हैं अच्छे से, अंदर की साइड भी प्रोडक्ट आ गया। तो अगर हम इसकी क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मशीन लंबे समय चलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को 7-8 ईयर हो गए हैं इस मशीन को यूज़ करते हुए। इसमें प्रॉब्लम जो हुई थी वो बस उसी की हुई थी कि मेरे नोज़ल ख़राब हो जाते थे, वो प्रॉब्लम भी मेरे को पता लग गई कि क्यों होते थे, क्योंकि हम लोग साथ के साथ क्लीनिंग नहीं कर रहे थे। अगर आप 1-2 घंटे का भी गैप दे देंगे क्लीनिंग करने में तो प्रोडक्ट उसके अंदर जमा हो जाएगा और जमा होने के कारण आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे इसको क्लीनिंग का। तो फ्रेंड्स आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस मशीन की मिल चुकी है किस तरीके से ये मशीन आती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आ चुका है कि एयर ब्रश मशीन क्या है, कौन से मेन फाउंडेशंस हैं, कैसे हमको इसको यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद कैसे हम लोगों को इसे क्लीन करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो में आपको बताई गई है। आई डोंट थिंक कि किसी और वीडियो में आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखते हैं, शुरू से लेके एंड तक, तो आपको सारी बातें जो बारीकी हैं इसकी पता लगेगी, ताकि आप जब भी ये प्रोडक्ट लीजिए, देखिए आप कितना महंगा है, 37,500 रुपये का, अगर 30,000 का भी लेते हैं तब भी हमारे लिए महंगा है, क्योंकि हमें इसको लंबे समय यूज़ करना है। इतनी महंगी चीज़ ली है तो हमारे संग ये अच्छे से रहे, क्योंकि यही हमारा काम है, इसी से हम कमा कर खाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको क्लीन कैसे रखना है, ताकि लंबे समय तक हम अपनी मशीन से बहुत सारे मेकअप कर सकें। तो फ्रेंड्स आज की फुल डिटेल के साथ मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है, ताकि आपको इसका समझ आ जाए किस तरीके से हमें एयर ब्रश मशीन यूज़ करनी है। क्योंकि सीज़न के टाइम हम लोग बिजी रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते, तो मैसेजेस आते हैं तो मैं पढ़ती हूँ आपके सारे मैसेजेस और उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। तो इस अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो इसके रिलेटेड, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा या तो मैं आपको कमेंट के थ्रू आपको जवाब दूंगी, या आपको इसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको बताऊंगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, आपको लगता है काफ़ी सारे आपके काम अच्छे हो सकते हैं इससे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।